इनका संपूर्ण जो किस युग के ये कवि लेखक थे संक्षेप परिचय जान लिया। काका का लेखक जैसा नाम लिखा है उस समय दिया गया, पूरा नाम लिखा था दत्तात्रेय बालकृष्ण काले। इनका जन्म 1 दिसंबर 1885 में, जन्म 1 दिसंबर 1885 में सतारा जिला महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विस्तृत स्थान है सतारा, वही हुआ था। इनका मुख्य जो भाषा थी वो मराठी थी, लेकिन इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, फारसी, उर्दू और संस्कृत का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए इनकी भाषा में, इनकी रचनाओं में सरस्वर बोधगम खड़ी बोली के साथ ही साथ कुछ अरबी, उर्दू, गुजराती भाषा के भी शब्द देखने को मिलते हैं। इनकी जो शैली थी भाषा की, इनकी सरल बोधगम खड़ी बोली गुजराती, संस्कृत और अरबी भाषा से कुछ शब्दों का मिला जुला शैली थी। विवेचनात्मक, वर्णात्मक और व्यंगात्मक थी, चित्रात्मक थी, यानी विवेचनात्मक किया गया उनका वर्णन किया गया, व्यंग किया गया है रचनाओं में इनके। चित्रात्मक किसी की जीवनी या किसी के जीवन के संदर्भ में बिल्कुल चित्रण किया गया है। ये शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के लेखक थे। सक्रिय कार्यकर्ता, ये गांधी जी के साथ, उसमें देश स्वतंत्र नहीं था तो वह गांधी स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए और लंबे समय तक कुल मिलाकर 5 वर्षों तक भी महाराष्ट्र जेल में इन्होंने अपना जीवन बिताया एक स्वतंत्रता संग्राम कैदी के रूप में। इनका मुख्य योगदान जो है दक्षिण भारत में है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। दक्षिण में भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार उन्होंने खूब किया, विशेष उदाहरण रहा। इनकी रचनाओं से प्रभावित होकर इन्हें पद्म भूषण और गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही साथ ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण वर्षों तक ये जेल में रहे। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद सन 1952 से 1957 ईस्वी तक 5 वर्षों तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। इनकी रचनाएं रचनाएं की हैं जिसमें जीवन का सर्वोदय, हिमालय प्रवास, बापू की झांकी आदि की प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु इनकी 21 अगस्त 1981 ईस्वी में हुई। तो यह इनका जो है काका कालेकर का या दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेकर का सचित परिचय है। इन्होंने कस्तूरबा हरासुमा तक निष्ठामूर्ति कस्तूरबा के जीवनी पर, उनके संदर्भ जीवन पर उनकी एक तरह से के उन्हीं के जीवन माला, जीवन व्याख्या उन्होंने किया है। उनके विषय में निष्ठामूर्ति कस्तूरबा शीर्षक से उन्होंने लिखा है जिसमें भारतीय नारी की क्या विशेषता है, भारतीय नारी का परिवेश कैसा है, उसी की गरिमामयी जीवनी का वर्णन किया है काका कालेकर ने। तो निष्ठामूर्ति कस्तूरबा के संदर्भ में हम अगले दिन पढ़ेंगे। आज काका कालेकर का संक्षिप्त जीवन परिचय, ये आप लोग अब इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप सब जीवनी 800 काका कालेकर की विस्तृत जीवनी कॉपी में लेंगे शेष का।